सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेला जाने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए दोनों मुकाबलों में से एक मैच भारत ने जीता तो एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। वहीं तीसरे टेस्ट में कप्तान विराट कोहली 19,000 रनों का आंकड़ा पार कर सकते हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में भारत के सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने 664 मैचों में 34,357 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 100 शतक और 164 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं विराट कोहली भी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपने 19,000 रन और इस रिकॉर्ड से वो मात्र 93 रन दूर है, जिन्होंने 356 मैच में 18,907 रन बनाए हैं। वनडे में विराट कोहली ने 216 मैचों में 10,232 रन बनाए हैं। टेस्ट में 75 मैचों में 65,008 रन तो वहीं T20 में 65 मैचों में 2,167 रन विराट कोहली अब तक बना चुके हैं, जो इस सूची में 12वें नंबर पर हैं। विराट कोहली को 19,000 रनों का आंकड़ा बनाने के लिए सिर्फ 93 रनों की जरूरत है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।